इप्सिता एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल इप्सिता'स वाइब्स। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी एन अनबॉक्सिंग वीडियो एंड ऑब्वियसली आपको टाइटल पढ़ के समझ में आ ही गया होगा कि दिस इज गोइंग टू बी अ मामा अर्थ अनबॉक्सिंग वीडियो। आपको पता ही होगा कि मामा अर्थ पे ह्यूज OMG सेल चल रहा है एंड इट वॉज सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम 5th and 10th तक वो चलने वाला था, बट ड्यू टू ह्यूज डिमांड ये सेल उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी ग्रेट और आप जल्दी से ना जो भी मन में आए जल्दी से शॉपिंग कर लो क्योंकि स्टॉक भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे। सो जस्ट डू नॉट मिस आउट ऑन दिस। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स मूव ऑन टू द अनबॉक्सिंग। सो गाइज द फर्स्ट बॉक्स इज दिस वन एंड इसको अभी मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ। सो लेट्स सी कि इसमें क्या है। सो गाइज दिस इज द उपतन फेस मास्क। मैंने इसके दो बॉक्सेस लिए हैं बेसिकली। सो वन इज फॉर मी एंड वन इज फॉर माई सिस्टर। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इट एंड शो इट टू यू। सो गाइज दीज आर द टू फेस मास्क विच आई हैव गॉट, द उपतन फेस मास्क। और आपको पता ही होगा कि ये कितना ज्यादा बेनिफिशियल है आपको अगर टैनिंग का प्रॉब्लम है या फिर आपके स्किन में अगर अनइवन स्किन टोन है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस पैक। जब भी आपको लगे कि आपका फेस बहुत ज्यादा डल लग रहा है, बस मामा अर्थ के उपतन फेस मास्क को अपने फेस पे लगा लो, 15 मिनट्स के लिए रख लो एंड देन आफ्टर वॉशिंग इट आपको ग्लोइंग स्किन मिल जाएगा। सो डू ट्राई दिस आउट गाइज। सो गाइज दिस इज अ सेकेंड बॉक्स विच आई हैव गॉट एंड इसमें चलो देखते हैं कि क्या है। मैं जल्दी जल्दी इसको ओपन कर लेती हूँ। आई रियली डोंट वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो टू लॉन्ग एंड बोरिंग ऑनेस्टली। सो मुझे जल्दी जल्दी आपको दिखाना है बस कि मैंने क्या क्या लिया है इस बार के OMG सेल से। एंड आप लोग भी ना शेयर करना कि आप लोगों ने क्या क्या लिया है इस बार के OMG सेल से, प्लीज टू कॉमेंट डाउन। मुझे देख के भी अच्छा लगेगा एंड प्रॉब्ली आपसे भी कभी कोई टिप्स मुझे भी मिल जाएगा कि क्या क्या प्रोडक्ट और नए मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ। मैंने इस बार बाय द वे कुछ नए प्रोडक्ट्स लिए हैं, आई विल शेयर इट ऑल विद यू। सो यस आई हैव गॉट दीज टू प्रोडक्ट। सो इसमें से एक प्रोडक्ट है जो बिल्कुल ही नया है एंड एक्चुअली ये नया रेंज लॉन्च भी हुआ है मामा अर्थ में। सो दीज आर द टू प्रोडक्ट्स। वन इज द ग्रीन टी नाइट क्रीम जिसके बारे में मैं आप लोगों को बोल रही थी कि ये नया नया अभी लॉन्च हुआ है एंड द अदर इज द स्किन करेक्ट सीरम विच इज माई यू नो एवरीडे फेवरेट। लाइक मैं डेली बेसिस में ये स्किन करेक्ट सीरम विच हैज गॉट 10% नियासिनामाइड एंड जिंजर एक्सट्रैक्ट, ये मैं रेगुलर बेसिस पे अपने स्किन पे यूज करती हूँ वंस इन अ डे। लाइक नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में मैं एक्चुअली यूज करती हूँ एंड व्हेनेवर आई डू मेकअप, मेकअप से पहले आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं ये सीरम यू नो जस्ट 4 to 5 ड्रॉप्स अपने स्किन पे ऑब्वियसली अप्लाई करती हूँ क्योंकि उसको अप्लाई करने के बाद मेरे फेस पे जो ग्लो आता है ना दैट इज लाइक नेक्स्ट लेवल। सो आप भी ये ट्रिक ट्राई करो, जब भी आप मेकअप यूज करो उससे पहले अपना फेवरेट सीरम जरूर यूज करना। सो नाउ कमिंग टू द ग्रीन टी नाइट क्रीम। सो बेसिकली ग्रीन टी का नया रेंज लॉन्च किया है मामा अर्थ में जिसमें यू कैन फाइंड आउट ग्रीन टी सीरम, देन देयर इज अ नाइट जेल, नाइट क्रीम, देर इज अ डे क्रीम ऑल्सो एंड आई थिंक देर इज अ टोनर ऑल्सो। सो यू कैन चेक दैट आउट, काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है एंड ग्रीन टी फेस मास्क इज ऑल्सो देर, ऑब्वियसली हाउ कैन आई फॉरगेट अबाउट इट। सो इसमें से ना मुझे ये वाला लेना था विच इज अ ग्रीन टी नाइट क्रीम। एक्चुअली मैंने ये परचेस किया है अपने मॉम के लिए, आई एम गोइंग टू गिफ्ट इट टू हर एंड आफ्टर शी यूजेज दिस फॉर सम टाइम शी इज गोन रिव्यू दिस प्रोडक्ट फॉर यू ऑल। सो वेट फॉर इट गाइज एंड इसमें मैं आपको बेसिक बोल देती हूँ क्या क्या है। सो दिस इज बेसिकली अ ग्रीन टी बेस्ड नाइट क्रीम विच हैज गॉट ग्रीन टी एंड कोलाजन। आपको पता ही होगा कि कोलाजन हमारे स्किन के इलास्टिसिटी एंड हमारे स्किन की यूथफुलनेस को बचाए रखने के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड ग्रीन टी इज ऑल्सो वन सच इन्ग्रीडियंट जो हमारे एजिंग को रिड्यूस करता है, हमारे एजिंग को कंट्रोल करता है बेसिकली। सो दीज बोथ इन्ग्रीडियंट्स आर प्रेजेंट इन दिस प्रोडक्ट। सो ये बहुत ही ज्यादा डिजायरेबल बन जाता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज हेल लॉट ऑफ यू नो इन्ग्रीडियंट विच आर मेंशन्ड ओवर देयर। यहाँ पे आपको इन्ग्रीडियंट लिस्ट पूरा मिल जाएगा एंड यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट। द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 699 रुपीज एंड ये है बेसिकली 50 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। सो 50 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट एट 699 रुपीज इज क्वाइट रीजनेबल क्योंकि ये बहुत दिन तक चलने वाला है। मैं इसको ओपन करके आपको बस पैकेजिंग एक बार दिखा दूंगी बट रिव्यू अभी नहीं करूंगी, रिव्यू मेरी मॉम करने वाली है मेरे चैनल पे आप लोगों के लिए। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।
एंड यस गाइज, दिस इज बेसिकली द पैकेजिंग. ये एक ग्लास कंटेनर में आता है विच इज ग्रीन इन कलर. काफी क्लासी लुक दे रहा है बिकॉज ऑफ द ग्लास पैकेजिंग एक्चुअली. एंड ऑल अदर डिटेल्स आर प्रेजेंट ओवर हियर, यू नो, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड ओवर हियर, सो यू कैन चेक दैट आउट. सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी गुड. इसका रिजल्ट अच्छा ही होने वाला है क्योंकि मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट आज तक मुझे तो यू नो खराब नहीं लगा है. सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी गुड. And let's see मेरी मॉम यूज करने के बाद इसका कैसा रिव्यू देती है. So now it's time to unbox the third box and which is this one. काफी बड़ा है. Let's see इसमें से क्या निकलता है. And I'm going to open it. So इसमें से guys दो प्रोडक्ट निकले हैं जो कि हेयर केयर के लिए है. So basically मैंने इस बार स्किन केयर एंड हेयर केयर प्रोडक्ट बोथ परचेज किए थे. तो ये है ना, वन इज द एप्पल साइडर विनेगर. सो दिस इज वन प्रोडक्ट जो कि काफी टाइम से मामाअर्थ पे है. You know, like a lot of people have been using it, but मैंने इसको first time purchase किया है. So I'm really excited to use this. और इसका भी मैं review डालूंगी after application. So let's see how it turns up. And this is basically a 250 ml pack and it comes at a price of 349 rupees. So आपको पता ही होगा काफी reasonable आता है इन लोगों का shampoo. And you know, like these kind of 250 ml packs मेरे लिए तो almost one month, one and a half month तक टिक ही जाता है. मेरे shampoo करने का frequency is basically twice or thrice in a week. So one month के लिए तो आराम से ये टिक जाता है. So let me use it and then I will review this one for you. The next product is the Rice Wonder Water. So basically जो लोग मुझे follow करते हो आप लोगों को पता होगा कि मैं already Rice वॉटर शैम्पू, राइस वॉटर कंडीशनर एंड राइस वंडर वॉटर इन तीनों को काफी टाइम से यूज कर रही हूँ. एंड ये मेरे हेयर टाइप को यू नो अच्छे तरीके से सूट भी कर रहा था. एंड स्पेशली द वंडर वॉटर इज ऑसम. लाइक ये लोग क्लेम करते हैं कि ये विद इन 7 seconds आपके हेयर में टैंगल्स को हटा देता है. एंड ये कुछ हद तक एक्चुअली सही है बिकॉज जब भी मेरे बालों में बहुत ज्यादा टैंगल रहता है ना, तो आई जस्ट यूज अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दिस वंडर वॉटर एंड ट्रस्ट मी इट एक्चुअली वर्क्स. मेरे बालों में जितना भी टैंगल्स होता है ना, वो जल्दी ही यू नो बहुत इजीली निकल जाता है. सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग इज गाइज. एंड दिस इज बेसिकली 100 ml पैक एंड इट कम्स एट अ प्राइस ऑफ 349 रुपीज. एंड इट हैज गॉट ऑल द गुडनेस ऑफ राइस वाटर एंड केराटिन इज इन्फ्यूज्ड इन दिस वन. सो आपको अगर अपने हेयर को मैनेजेबल बनाना है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस सीरम. सो मैंने टोटल 6 प्रोडक्ट्स खरीदे हैं बट मैंने पे किया है ओनली फॉर 3 एज बिकॉज आई हैव यूज्ड द मामा अर्थ ओएमजी कोड. एंड बेसिकली मैंने ऑलमोस्ट यू नो 3000 का प्रोडक्ट खरीदा है जिसमें से आई हैव गॉट 3 प्रोडक्ट्स फ्री. सो आई हैव पेड ओनली एंड ओनली 1500 फॉर द होल रेंज. एंड यहाँ पे जैसे ये दो मास्क मैंने खरीदे हैं, बोथ आर प्राइस्ड एट 499 रुपीज, बट मैंने एक का पे किया एंड दूसरा मुझे फ्री में मिला. देन अगेन फॉर दिस सीरम एंड दिस नाइट क्रीम, सो इसमें नाइट क्रीम का प्राइस है 699 रुपीज एंड द सीरम इज एट 599 रुपीज. सो बेसिकली मुझे इसका पे करना पड़ा क्योंकि मामाअर्थ में जब भी ओएमजी सेल आता है तो उसमें आपको हायर प्राइस वाला प्रोडक्ट को पे करना पड़ता है एंड जो लोअर प्राइस वाला प्रोडक्ट होता है वो आपको फ्री में मिल जाता है. सो मुझे ये वाला फ्री में मिला. एंड एट लास्ट फॉर दीज टू आई हैव पेड ओनली 349 रुपीज. इन दोनों का प्राइस 349 है बट आई हैव पेड ओनली फॉर वन. सो एक के साथ मुझे दूसरा मुफ्त मिला. सो गाइज दोज आर द प्रोडक्ट्स विच आई हैव गॉट फ्रॉम दिस ओएमजी सेल. आई होप आप लोग भी भर भर के शॉपिंग कर रहे हो. तो मैंने तो नेक्स्ट 2-3 months के लिए अपना स्टॉक रिफिल कर लिया है बिकॉज मामाअर्थ का ओएमजी सेल जनरली यू नो 2 या 3 months के इंटरवल में ही आता है. एंड येस गाइज मैंने वाओ से भी काफी सारे प्रोडक्ट्स खरीदे हैं जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी. उसमें भी मुझे बाय वन गेट वन फ्री वाला ऑफर मिल गया क्योंकि वाओ पे भी बाय वन गेट वन ऑफर चल रहा था उस वक्त. आई एम नॉट श्योर अभी चल रहा है कि नहीं. अगर चल रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑब्वियसली मेंशन कर दूंगी एंड सारे प्रोडक्ट के लिंक्स विल बी प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स. प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल बी बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो. सो टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव. बाय बाय गाइस, थैंक यू.